हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा किचन्स। आज हम बनाएंगे मटन स्टू, यानी कि आज हम बकरे का स्टू बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही लाजवाब होगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मटन लिया है। मटन मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है, तो 1 किलो बकरे का गोश्त है। इसको साफ़ करके बिल्कुल धो लेंगे। साफ़ करके धो लिया, जब तक मैंने यहाँ पे प्याज काटी है। करीब मैंने प्याज यहाँ पे काटी है कम से कम 1.5 किलो, क्या प्याज स्टू में ज़्यादा पड़ती है। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर में हम स्टू बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त डाल देंगे। सारा सामान हम पहले कुकर में ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो मैंने गोश्त को धो के इसमें डाल दिया और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है। वैसे भी इसको गलाना है और गलाने के बाद इसको बाद में भूनना है, तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे सारी। जितनी आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से आप प्याज इसमें डालें, क्योंकि प्याज ही की इसमें खास ग्रेवी होती है। तो बस मैंने इसमें प्याज डाल दिए खूब भर के। 1.5 किलो प्याज मैंने काटी थी ये, और डालने के बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 6-7 कटी हरी मिर्चें, 5-6 लाल मिर्चें सूखी वाली, और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 इलायची का टुकड़ा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 हरी इलायची, 2-3 तेज़पत्ते। ये सारा सामान हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें भी करीब 8-10 होंगी कटी हुई। ज़ीरा डाल देंगे, इलायची और पत्ते सब डाल देंगे इसमें। बस सारा सामान डाल दिया मैंने इसमें, और बस डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। नमक हम बाद में एक बार और टेस्ट कर लेंगे, जब तैयार हो जाएगा, कम होगा तो और डाल लेंगे। 1 कप तेल डाल रही हूँ मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद अब हम इसको ढक्कन बंद करके सीटी लगा लेंगे। और अब इसमें डाल रहे हैं हम 1/2 गिलास पानी। पानी इसलिए हम कम डाल रहे हैं क्योंकि प्याज भी है, प्याज भी अच्छा खासा पानी छोड़ेगी। तो हमने 1/2 गिलास पानी डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट, और अब मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन मैं इसमें डालूँगी करीब 3 बड़े चम्मच। तो लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें सीटी लगाएंगे कुकर ढक्कन बंद करके। ढक्कन को सेट करके बंद कर देंगे और सिर्फ 3 या 4 सीटी हमें लगानी है, क्योंकि इसको हम बाद में भूनेंगे तो भूनने में भी गोश्त अच्छा खासा गल जाता है। तो बस यहाँ सीटी आ रही है इसमें। 4 सीटी के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ फ्लेम को बंद कर देंगे, 4 सीटियाँ आ गई हैं। अब यहाँ पे प्रेशर रिलीज होने देंगे, उसके बाद हम इसको खोलेंगे 4 सीटी के बाद। तो हम यहाँ पे खोल रहे हैं, तो ये देखिए 4 सीटी के बाद देख सकते हैं कि प्याज और गोश्त गल गया है। अच्छा, गोश्त भी अच्छा खासा गल गया है। इसको मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं गलाया अभी, क्योंकि इसको भी हमें बहुत देर तक भूनना होगा। अगर हम भूनेंगे तो उसमें फिर गलाएंगे, गोश्त भी अच्छा खासा गल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा गोश्त। इसलिए मैंने सिर्फ 4 सीटियाँ लगाई हैं। और अब इसको हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे स्टू को। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और फ्लेम को रखेंगे हम हाई, तो इसको अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि प्याज ने भी बहुत पानी छोड़ा है, तो इसको अच्छे से भूनना होगा, तभी हमारा जो स्टू है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस फ्लेम को मैंने हाई रखा है और इसको भूनते रहेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ढक्कन आप ऐसे ढके खुला रहे, ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा सूख के निकलता रहे भाप बन के। आप बिल्कुल फिक्स ढक्कन ढकेंगे तो उसका पानी नहीं निकलेगा। खोल के अगर आप खड़े हैं कुकर के गैस के पास, तो आप खोल के पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और आप ढक के पका रहे हैं, उसके पास लगातार नहीं खड़े हैं, तो थोड़ा सा ढक्कन को खोल के रखें। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के गर्म मसाला पाउडर। और बस गर्म मसाला डालने के बाद थोड़ा इसको चला देंगे और बस को अच्छे से भूनने देना है हाई फ्लेम पे। तो
बस थोड़ा सा इसका जो पानी खोल के पकाएंगे, ढक्कन ढकेंगे तो थोड़ा सा खोल के ही ढकेंगे, ये याद रहे, तभी हमारा जो स्टू जल्दी से भुन जाएगा। अब देख सकते हैं कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है, भुनना ये शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ा और भुनना है, भुनने के प्रोसेस में करीब लग जाते हैं 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं हाई फ्लेम पे भुनने में। और यहाँ पे अब इसमें दही डालेंगे, इसका जो पानी वो आधा रह गया है, स्टू का बिल्कुल सूख गया है, तो हम इसमें एक कटोरी दही डालेंगे। तो मैंने एक कटोरी भर के इसमें दही डाल दिया है। दही डालने के बाद इसको फिर से चला देंगे, दही जब ही डालना है आपको जबकि थोड़ा सा स्टू भुन जाए आपका, ज़्यादा पानी इसमें ना हो क्योंकि दही भी पानी रिलीज़ करेगा। आप इसको डाल डाल के अच्छे से भून लेंगे। अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं तो इसकी जगह पे आप एक नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। तो फ्लेम को मैंने हाई रखा है और स्टू पक रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी भी इसमें रह गया है, अच्छा खासा सूख गया है स्टू। और अभी मैंने यहाँ फ्लेम को हाई रखा है, तो मैंने यहाँ फ्लेम को कर दिया है बंद और धनिया के पत्ते डाल दिए इसमें काट के। हमारा स्टू बनके हो गया है बिल्कुल तैयार, इसको कर लेंगे सर्व। तो यहाँ हमारा स्टू जो है बहुत टेस्टी बना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। थैंक यू।